भगवान गणेश के शारीरिक बनावट के मुकाबले उनका वाहन छोटा सा चूहा है। गणेश जी ने आखिर छोटे से जीव को ही अपना वाहन क्यों चुना? उनकी ध्वजा पर भी मूषक विराजमान है। चूहे का काम किसी भी चीज को कुतर डालना है। जो भी वस्तु चूहे को नजर आती है वह उसकी चीर फाड़ कर उसके अंग प्रत्यंग का विश्लेषण से कर देता है। गणेश जी बुद्धि और विद्या के अधिष्ठाता देवता है। तर्क वितर्क में उनका सानी कोई नहीं। एक एक बात या समस्या की तह में जाना, उसकी मीमांसा करना और उसके निष्कर्ष तक पहुंचना उनका शौक है। मूषक भी तर्क वितर्क में पीछे नहीं है। हर वस्तु को काट छाट कर रख देता है और उतना ही फुर्तीला भी है, जागरूक रहने का संदेश देता है। गणेश जी ने कदाचित चूहे के इन्हीं गुणों को देखते हुए उसे अपना वाहन चुना होगा। फिर भी भगवान गणेश के वाहन मूषक के बारे में कई प्राचीन कथाएं प्रचलित है। गजमुखासुर नामक दैत्य ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास पहुंचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबरा कर चूहा बनकर भागा, लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री गणेश ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक महाबलवान मूषक ने पराशर ऋषि के आश्रम में भयंकर उत्पात मचा दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया। आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली। ऋषियों के समस्त वलकल वस्त्र और ग्रंथ कुतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसने लगे कि किस अपकर्म के फल स्वरूप मेरे आश्रम की शांति भंग हो गई है। अब इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिले? तब गणेश जी ने पराशर जी को कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूं। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पाश फेंका। पाश उस मूषक का पीछा करता पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीट कर बाहर निकाल गजानन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पाश की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उसे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है, इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा। बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है, आप चाहे तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी बरखम गजानन के भार से दब कर मूषक को प्राणों का संकट बनाया। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वहन करने योग्य बना ले। इस तरह मूषक का गर्व चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।